शराबबंदी वाले बिहार में शराब लूटने का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक कार से ग्रामीणों को शराब लूटते देखा जा सकता है। वीडियो सिवान जिला के महाराजगंज थाना क्षेत्र स्थित सिकटिया गांव का बताया जा रहा है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सोमवार के दिन का बताया जा रहा है। बताया जाता है कि सिकटिया गांव के पास एक कार भीड़ में फंस गई। जब स्थानीय लोग कार के पास पहुंचे तो कार चालक कार छोड़कर फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने देखा कि कार के अंदर शराब है। इसके बाद फिर क्या था, ग्रामीणों ने जमकर शराब की लूट कर डाली। गाड़ी के शीशे तोड़कर लोगों ने शराब की बोतलें लेकर फरार हो गए। कोई एक बोतल तो कोई दो बोतल लेकर भागते बना। देखते ही देखते कार के पास लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इसके बाद किसी ने पुलिस को सूचना दी, तब मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को जब्त कर अपने साथ लेकर चली गई। तब तक लोगों ने कार से पूरी शराब ही लूट डाली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सारण के जनता बाजार की तरफ से काफी तेजी से ये कार आ रही थी। ग्रामीणों को लगा कि ये कार कोई घटना के बाद तेजी से भाग रही है, जिसके बाद ग्रामीणों ने कार को रोकने का प्रयास किया। इसके बाद कार एक बाजार में भीड़ के कारण फंस गई, जिसके बाद लोगों ने कार को घेर लिया। तब ड्राइवर कार छोड़कर भाग गया, जिसके बाद लोगों ने शराब का लूट की है। वहीं जब इस मामले में महाराजगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राकेश कुमार रंजन से इस मामले पर बात की गई, तो उन्होंने बताया कि ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है। और निकाल दे।